मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज है रेनी डे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग एडिट कर लूं। और मुझे ना कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मैं ना ही ज़्यादा नज़रें लगा पा रही हूँ फ़ोन में, और कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा आप सब समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत होती है सर्वाइकल में और माइग्रेन अलग से। तो मैं ना व्लॉग भी बना नहीं पा रही हूँ प्रॉपरली। और अभी जो है बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, तो बस मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा व्लॉग बना दिया जाए। और अभी देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। और मुझे ना एक्चुअली में मैंने अपनी किचन का सामान ना दूसरी किचन में शिफ्ट किया हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि किचन बहुत ही ज़्यादा ना मतलब फुलफिल हो गई थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत सामान लेने जाना पड़ता है, तो मैं दूसरी किचन से लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। और देखिए कितनी बारिश आ रही है। अभी नहीं है बारिश, बट स्टिल मैं भीग ना जाऊँ ना, इसलिए मैं तो ना अम्ब्रेला का ही यूज़ करती हूँ। और बारिश का कुछ हाल ऐसे है, लगातार लगातार लगी हुई है। और यहाँ पर तो कुछ ऐसे मैंने यहाँ थोड़ा सा सामान रखा हुआ है अभी, मतलब हौच पौच ये मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा अच्छे से रखूँ, मतलब इसको भी किचन की तरह ही बना के रखूँ। और करूँगी मैं धीरे धीरे सेटिंग। यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ दो आलू, और ये भी गीले हो गए थे। ऑल राइट दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आलू बैंगन की सब्जी बनाने वाली हूँ। लेट मी जस्ट शेयर माई रेसिपी विद यू। और जल्दी से कढ़ाई में तेल लगा लेंगे, तेल चढ़ा लेंगे सॉरी। तो यहाँ पर जीरा और थोड़ा सा अजवाइन मैंने ऐड किया, और साथ में डाल दिया टमाटो और अदरक की प्यूरी, मतलब अदरक भी उसमें ग्राइंड कर लिया था, ग्राइंड किया इसमें, मसाले को मिक्सी में नहीं पीसा। और यहाँ पर नमक जो है मैंने ऐड कर लिया, हल्दी, और थोड़ी सी रंगत के लिए देगी मिर्च में ऐड करूँगी कि कलर अच्छा आ जाए। और ये जो रेसिपी है ना, ये मेरी सिस्टर लॉ की है। और यहाँ पर गरम मसाला भी मैंने साथ में ही ऐड कर लिया, मतलब बाद में नहीं करती हूँ। ये जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर लॉ है, वो इतनी टेस्टी बनाती है ये सब्जी, बस उनको देख के मुझे आलू बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, बट उनके हाथ की जब से मैंने खाई ना, मुझे थोड़े बहुत आलू बैंगन जो है पसंद आने लगे। और देखिए मसाले को मैंने अच्छे से जो है भून लिया है, और यहाँ पर मैं आलू बैंगन जो है ऐड कर रही हूँ। अब आप ये सोचेंगे ये डंठल क्यों ऐड किया है, तो डंठल का टेस्ट जो है कुछ लोग खाते हैं, मुझे नहीं पता था, क्योंकि जब से मेरी पंजाबी फैमिली में मैं आई हूँ ना, तो वो लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर डंठल को भी, जो बैंगन का ऊपर वाला हिस्सा है, उसको भी ऐड कर लिया। और इसमें क्या होता है ना, जब मसाला होता है ना, उसका पूरा का पूरा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। और यकीन मानिएगा दोस्तों, इसको मतलब हमें लगेगा, मतलब क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि ये क्या है, मतलब व्हाट द हेल, बट स्टिल आप एक बार ट्राई कीजिएगा, हाँ ये बहुत टेस्टी लगता है। तो हम मैं तो इसको साथ में ज़रूर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं साइड बाय साइड अपना किचन का जो काम है वो निपटा रही हूँ, और बस ऐसा ही चलता रहता है ना, साइड बाय साइड मेरा काम भी चलता रहता है। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है, बट स्टिल अभी ये सब्जी जो है पूरी तरह से पकी नहीं है, और फिर मैं इसको ढक दूंगी और देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। दोस्तों सब्जी तो हमारी रेडी हो रही है साइड बाय साइड, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ नाशपाती, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता फ्रूट खाने का बिल्कुल भी। और तो वैसे भी दिन में एक या दो फ्रूट तो कंज्यूम कर ही लेने चाहिए, जो भी विटामिन या न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए होते कहीं कहीं ना कहीं तो पूरे कर ले। और देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। तो ये देखिए अनमोल की दीदी अनमोल को खिला रही है, और ये डेली आ जाती है, और ये रात के टाइम ही आती है दोस्तों। रात के टाइम अनमोल जो है हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी की, तो ये जो है दिन के टाइम आ जाती है, इसको खिला के चली जाती है। हाँ रितु बट ये डेली आती है, दिखा दे इसको, इसके साथ खेलती है, और ये भी बहुत खुश होता है इसके साथ। दिखा देना तुम नीतू।
दोस्तों वी आर बैक इन द किचन और आप देख सकते हैं आलू बैंगन की सब्जी जो है वो दिखने में जितनी अच्छी लग रही है ना दोस्तों उतनी ही डिलीशियस वो खाने में भी थी। इतनी टेस्टी बनी थी ना मैं बता नहीं सकती हूँ। जस्ट गॉट डन विद द किचन वर्क, उसके बाद में आ गई थी मंदिर में और लेट मी शो यू ये अभी कैसे दिखता है। बहुत ज़्यादा खिलारा, मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा। और ये मेरी मशीन है और इसके ऊपर तो हम जो भी है ना बस अड़गम बड़गम वो हम रखते रहते हैं। और यहाँ पर मैं सफाई करने वाली हूँ अच्छे से मंदिर की, क्योंकि नवरात्रि आ रही है दोस्तों। और मैंने अभी जस्ट 20 डेज पहले भी मंदिर की कुछ सफाई की थी और बट स्टिल फिर नवरात्रों के लिए तो कुछ स्पेशल होना ही चाहिए, तो इसलिए मैं अच्छे से करती रहती हूँ। वैसे मैं मंदिर की टाइम टू टाइम सफाई करती रहती हूँ बट कहीं से भी ना मतलब गंदगी आती ही रहती है, तो उसमें कुछ नहीं हम कर सकते। तो देख सकते हैं आप, मैं अच्छे से करूँगी इसको। जो राधे कृष्णा की मूर्ति आपको दिख रही है दोस्तों, इसको ना मैं हमेशा स्नान ही करवाती हूँ और ये ना मतलब कपड़े से साफ़ नहीं होती, बाकी को तो मतलब स्नान नहीं करवा सकते, तो मैं ये इसको ना अच्छे से साफ़ करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेक श्योर कर लेती हूँ मैं हमेशा जो झाड़ू है मंदिर का और जो पोचा है, ये दोनों चीज़ें मैंने मंदिर के लिए अलग रखी हुई हैं, इसको मैं कभी भी कहीं और जगह यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा मंदिर अब कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है। मतलब सफाई मतलब मुझे पोचा जो है ना वो 3 से 4 बार लगाना पड़ता है मंदिर में, तब जाके मंदिर क्लीन होता है। और मैं एक एक पार्ट करके सफाई करती हूँ ताकि कुछ भी जो है ना बिल्कुल भी गंदगी मंदिर में ना रहे। और ये जो ये वाला पार्ट है ये मैंने अभी नहीं किया, क्योंकि इसके जो कपड़े वपड़े हैं ना वो सब मैंने धोने के लिए रख दिए हैं। और मुझे मैं मेक श्योर कर लेती हूँ कि जो दोबारा यूज़ करने वाले होते हैं उसको मैं रख देती हूँ और जो नहीं होते तो उसको मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। ये मेरा मशीन वाला पार्ट भी रेडी है एकदम, और बस ये वाला जो है मैं कल करूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। और आपको अनमोल के रोने की आवाज़ आ रही होगी, वो रो रहा है बहुत ज़्यादा और उसके दादू उसको संभाल रहे हैं। तो बस ये वाला पार्ट मैं थोड़ा कल करूँगी, क्योंकि इसकी मूर्ति की ना जो चुन्नी वगैरह वो भी लेके आनी है, अभी मैं लेके नहीं आई हूँ। तो दोस्तों मंदिर की जो सफाई थी जितनी मैं कर सकती थी उतनी ही मैंने की, क्योंकि बीच में अनमोल को भी देखना था और वो बहुत ज़्यादा अब एडवेंचरस हो गया है, शरारती नहीं मैं बोलूँगी एडवेंचरस हो गया है, क्योंकि मेरी दादी कहती है कि बच्चे जो है ना एक्सप्लोर करते हैं, तो वो शरारती वर्ड तो उनके लिए यूज़ नहीं करना। हाँ ये बोल सकते हो आप, परसिस्टेंट है
तो मतलब नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, तो बस इस वजह से ना वो कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है, मतलब पलटियाँ मारनी थोड़ा सा शुरू कर रहा है अभी वो। और अभी वो 3 मंथ का ही है, हाँ 3.5 महीने का हो गया है, और प्रोबेबली 4 मंथ का हो जाएगा 3 जून के अकॉर्डिंग आप हिसाब लगा लो। और आज 24th of September है, और बस और मेरा किचन का काम डन हो चुका है, मम्मी डैडी सो चुके हैं और मैं दिखा देती हूँ, मेरे सारा किचन का काम ऑलमोस्ट डन है। और अभी जस्ट मैंने ना यहाँ पर क्या किया है, ये खट्टा लगाया है मतलब मलाई को, जैसे नहीं आता मतलब मक्खन वगैरह निकाला, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से ही सीखा है, खट्टा लगाया मैंने मलाई को, क्योंकि बस मैं ये सोच रही हूँ कि मम्मी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और वो जो मम्मी काम करती थी वो सारे काम भी मुझे करने पड़ रहे हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है सच बात बताऊँ तो। और अब मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको कि अनमोल क्या कर रहा है। तो अनमोल अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा है, और अभी अगर आप टाइम देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैं किस टाइम वीडियो बना रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, 12:05 हो चुके हैं, पर अनमोल लगा हुआ है और इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं, और ये मस्ती के मूड में, और ये फुल मस्ती कर रहा है, देख देख सकते हैं आप, होने देगा। तो आई विल एंड दिस व्लॉग हियर, सो दैट्स हाउ माय इवनिंग रूटीन इज। तो ये भी अभी मस्ती करने में मतलब जा रही है, इसकी मस्तियाँ चल रही हैं, तो आपको सुनाई दे ही रही होगी। दैट्स हाउ माय इवनिंग रूटीन इज, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को मेक श्योर कर लें कि लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।